3 साल से बंद पड़े गिरिडीह के कबरीबाद और ओपन कास्ट कोयला खदान को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के झूठे आश्वासन ही ट्रक मालिकों और हजारों लोडिंग मजदूरों का हिम्मत बढ़ाए हुए हैं। लेकिन दोनों खदान से कोयला उत्पाद शुरू कब होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इसी बीच CCL के GM मनोज अग्रवाल शनिवार को गिरिडीह पहुंचे और CCL DAV पब्लिक में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मनोज अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सदर विधायक सोनू का आभार जताते हुए बताया कि इनके सहयोग से एक बार फिर दोनों कोयला खदान में ऑपरेशन शुरू होगा और उत्पादन भी शुरू किया जाएगा। देखिए, गिरिडीह क्षेत्र में दो कोयलरी है, एक है गिरिडीह ओपन कास्ट माइंस, एक कबरीबाद ओपन कास्ट माइंस। तो मुझे बड़ा ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के लगातार, खास करके मीडिया ने जिस तरह से हर स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ा है, जिनको गिरिडीह और कबरीबाद का, आपको मालूम होगा कि गिरिडीह माइंस 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी 2022 से बंद है और हमारा कबरीबाद माइंस लगभग 3 साल से ज़्यादा समय से बंद पड़ा है। तो हम लोग सभी लोगों को अथक प्रयास से गिरिडीह के प्रोजेक्ट अफसर, यहाँ के अधिकारी, इन्वायरमेंट अफसर, हमारे धोरी क्षेत्र के सभी स्टाफ अफसर, हमारे जितने भी यहाँ के रैयत हैं, मीडिया हैं और ख़ास करके यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, मैं एक नाम लेना चाहूँगा, हमारे माननीय विधायक यहाँ के सोनू जी और भी जितने हमारे माननीय अन्नपूर्णा देवी जी और हमारे जितने भी ये विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, श्रमिक संघ के हमारे प्रतिनिधिगण हैं, इन सभी लोगों के मदद से आज हम इसी स्थिति में पहुँचे हैं कि लगभग 10 दिन पहले जो सिया जो इसी को निर्गत करती है उसकी बैठक में सफलतापूर्वक हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया गिरिडीह और कबरीबाद दोनों माइंस का। और गिरिडीह कबरीबाद माइंस में से कबरीबाद का रिकमेंडेशन ईसी के लिए हो गया, जो कि आज लगभग, आज 21 तारीख है, 22 या 23 में इसकी एक उच्च स्तर की भी बैठक होगी सिया के चेयरमैन काजमी साहब के नेतृत्व में। तो उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह का सहयोग हर स्तर पर मिला है, उस स्तर से यह सहयोग मिलते हुए कल या परसों यह खुशखबरी आ जानी चाहिए कि कबरीबाद माइन का ईसी निर्गत हो गया और उसके बाद हमें लेना पड़ता है CTE और CTO। तो CTE और CTO का जो भी उससे संबंधित प्राइमरी और पूर्व के जो नियम कायदों का और फॉर्म फिलअप करने का होता है, वह एडवांस में हम लोगों ने कर दिया है और सब कुल मिलाकर के मुझे पूर्ण आशा है कि लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर कबरीबाद माइंस लोगों के चेहरे पर कोयले के उत्पादन के शुरुआत के साथ, यहाँ के सारे जितने भी बाशिंदा हैं, 10,000 से ऊपर लोग जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उन पर चेहरे पर खुशी देखने का अवसर हमको बहुत जल्द, लगभग 15 से 20 दिनों में इस माइन से कोयला निकलने लगेगा। कबरीबाद खदान से कोयला उत्पादन अगले कुछ दिनों में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि ओपन कास्ट खदान में कोयला उत्पादन शुरू होने में कुछ वक्त लग सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।